नमस्ते, आज हम आपको अगले हफ्ते की मार्केट आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। जुट रहे हैं हमारे साथ श्री इमरान वोरा, वीपी इक्विटी रिसर्च। जीपीएल कैपिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट स्टॉक मार्केट नॉलेज और अपडेट के लिए बाजू में दिए हुए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारी चैनल की आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, करंट वीक में हमने देखा कि निफ्टी 15,856 के लेवल पे क्लोज हुआ है और पूरे वीक के दौरान एक मामूली गिरावट 67 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। या तो परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये गिरावट तकरीबन 0.42% की थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल परस्पेक्टिव से कुछ ऑब्जर्वेशंस इस मुताबिक है। ये वीक में हमने देखा कि निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही क्लोज दिया है, जो ये सूचित कर रहा है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट इंटैक्ट है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म की है, जो मार्केट के अंदर एक इनडिसिसिवनेस दिखा रही है। बट क्योंकि मार्केट एक हायर लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में फर्दर हमको एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट्स पे देखा जाए तो निफ्टी पूरे वीक के लिए अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड किया है, जो ये सूचित कर रहा है कि तेजी का माहौल निफ्टी के लिए बना रहेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम इंडिकेटर्स 50 के मार्क के ऊपर ही रहे हैं निफ्टी के लिए, जो ये बता रहे हैं कि तेजी का मोमेंटम आने वाले दिनों में फर्दर देखने को मिल सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा जाए तो की सपोर्ट निफ्टी के लिए 15,431 है और उसके नीचे 15,145 है। ऊपर में मेजर सप्लाई जोन 15,962 है, जो कि ऑल टाइम हाई है, और उसके ऊपर 16,687 है। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी को ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस रणनीति के तौर पर निफ्टी को ट्रेड किया जाए, तो हमने देखा कि लार्जर डिग्री का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो तेजी या तो लॉन्ग साइड की ही पोजीशन क्रिएट की जाए, जिसका स्टॉप लॉस 15,430 बनाता है। ये स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन एज वेल एज जो नेक्स्ट वीक में नई फ्रेश पोजीशंस के लिए भी इंटैक्ट रहेगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो वीकली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी कैंडल फॉर्म की है और तकरीबन अपनी 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द क्लोज दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ट्रेंड के अंदर थोड़ी थकावट सी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से। डेली चार्ट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी अपनी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही पूरा वीक रहा है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से। बैंक निफ्टी के मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम इंडिकेटर 50 के बिल्कुल करीब रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि एक लैक ऑफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 34,357 है और उसके नीचे 33,908 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो की रेजिस्टेंस 35,985 है और उसके ऊपर 36,497। आने वाले दिनों के लिए हमने दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जिनमें पोटेंशियल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म करने का। सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसको 280 के लेवल पे बाय किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 265 आता है और अपसाइड पोटेंशियल ये काउंटर में 318 का है। दूसरा काउंटर जो स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रहा है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है, जिसका 105 स्टॉप लॉस है और अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक में 135 तक का है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा व्यू और स्टॉक पिक्स पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ये वीक के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।